आई वुड लाइक टू डिस्कस मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विद यू, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और उसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट समझते हैं, देखो दो तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, एक तो पैसेंजर्स का हो सकता है जहाँ पर लोग जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स ट्रैवल करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ह्यूमन बींग्स कैसे ट्रैवल करते कर सकते हैं, क्या सिर्फ वही जाते हैं या आप अपने सूटकेस या ब्रीफकेस लेकर बैग लेकर जाते हैं? तो हमारे साथ हमारा बैग हो सकता है, तो हम ये नहीं कहते कि गुड्स ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप देखिए, आप और आपकी फैमिली कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हैं, 3 दिन के लिए जा रहे हैं मान लेते हैं, प्लीज़ आपके आप अपने साथ 2-3 दिन के अपने क्लोथ्स वगैरह लेकर चलेंगे ना, क्लोथ्स कहाँ पर रखेंगे, बैग में। और फॉर एग्जांपल आप बस में, क्या आप ऐसे होते हैं कि आप अपने बैग ट्रक में लेकर आते हैं और आप खुद बस में आएंगे? ऐसा नहीं होता है, हम बस में ट्रैवल करते हैं और हमारे साथ कुछ गुड्स भी ट्रैवल कर रहे हैं एक तरीके से, बट उसको हम पैसेंजर्स के साथ ही अकम्पनीड मानते हैं। अकम्पनीड मतलब यू आर ट्रैवलिंग विद द बैग। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहते कि गुड्स ट्रैवल कर रहे हैं, वो पैसेंजर्स ही माना जाता है। कुछ पैसेंजर्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो बिना बैग के ट्रैवल करता हूँ, तो वो वैसे भी कर सकते हैं। तो जब कभी भी, वेन एवर वी टॉक अबाउट पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, वी अज्यूम कि पैसेंजर के साथ साथ जो उसका बैग है वो भी ट्रैवल कर रहा है, या बैग नहीं भी है, विद और विदाउट अ बैगेज, ठीक है, बट इसको हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। बट हाँ, कुछ जगह पर होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर सिर्फ गुड्स ही ट्रैवल करते हैं, ओनली बैग्स आर गेटिंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उस केस में उसको हम गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे, ठीक है। जब उसके साथ पैसेंजर्स नहीं होते हैं तो उसको हम फिर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। बट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जहाँ पर पैसेंजर्स, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स ट्रैवल करते हैं विद बैगेज या विदाउट बैगेज। कुछ लोग अपना सूटकेस लेके चलते हैं, कुछ लोग बिना सूटकेस के, एक दिन के लिए जाना, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कुछ लेके नहीं जाना है, आई विल गो एंड कम, ठीक है, तो उस केस में वो दैट इज पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, दोनों ही केस। सब लोग समझ गए? अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक छोटा सा है, प्लीज बताइए आप किस किस मोड से ट्रैवल कर सकते हैं। तो लेट से फॉर यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू पुणे, ठीक है, आपको मुंबई से पुणे ट्रैवल करना है, तो आप किस मोड के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं? हम बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं, पक्का। हम बाय ट्रेन, रेलवे के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। हम बाय एयर भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, वाटर तो नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ कुछ जगह पर हो सकता है, मुंबई और पुणे तो नहीं, बट देर आर सम प्लेसेस जहाँ पर हम बाय वाटर भी ट्रैवल करते हैं, तो वाटर भी ले लेते हैं, ठीक है, मुंबई पुणे के लिए तो नहीं पर बाकी जगह के लिए ले सकते हैं। सो यू कैन ट्रैवल बाय रोड, बाय रेल, बाय एयर, बाय वाटर ऑल्सो, तो आप इस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ कि आप जब ट्रैवल करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप आउटसाइड द सिटी ही ट्रैवल कर रहे हैं, अपने शहर के बाहर ही ट्रैवल करेंगे, आप विद इन द सिटी भी ट्रैवल करते हैं। तो आप जैसे भी ट्रैवल कर रहे हैं, वेदर यू आर गोइंग आउटसाइड द सिटी और यू आर ट्रैवलिंग विद इन द सिटी, अपने ही शहर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी अलग अलग मोड्स हो सकते हैं ट्रैवल करने के लिए। जैसे दिल्ली में आप तो मेट्रो से भी ट्रैवल कर सकते हैं, DTC बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं विद इन द सिटी, ठीक है ना, मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। सर जो मेट्रो से हम ट्रैवल करते हैं तो वी हैव टू पे द अमाउंट, चाहे हम अपनी जो लोकल बस होती है जिसको हम, जैसे दिल्ली में है DTC बोलते हैं, हर जगह अलग अलग है वहाँ पर, तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, वो भी हमसे पैसे चार्ज करते हैं। तो वेदर वेन दे आर चार्जिंग मनी, चाहे हम, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, विद इन द सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, आप मेट्रो से ट्रैवल करें, आप बस से ट्रैवल करें, या आप टैक्सी से, ओला कैब, उबर कैब, ऐसी चीज़ों से ट्रैवल करते हैं, तो क्या GST लगता है या नहीं लगता है, हम उसके बारे में बातें करेंगे। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में हम बातें करेंगे कि दोनों ही चीज़ें एप्लीकेबल है। देयर आर सर्टन मोड्स जहाँ पर एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट का मतलब है अगर हम उस पर्टिकुलर मोड से ट्रैवल करेंगे तो वो सिर्फ अपने चार्जेस तो कलेक्ट करते हैं हमसे, उसके ऊपर GST नहीं लगाएंगे। बट देयर आर सर्टन केसेस जहाँ पर GST लगेगा, टैक्सेबल है। इसका मतलब जितना वो लोग फेयर हमसे चार्ज कर रहे हैं टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, साथ साथ में वो टैक्स भी कलेक्ट करेंगे। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट हैं
और कुछ ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेबल है। सब लोग समझ गए? अब इसको हमें देखना है कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट होंगे और कौन से टैक्सेबल हो जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा, ठीक है? सिर्फ समझिएगा आप लोग, सिर्फ समझिएगा। लेट्स सी, ये मैं बातें कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड की, अभी मैं बाय रेलवेज, फिर वाटरवेज और बाय एयरवेज भी बातें करूँगा। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। अगर आप रोड के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो, अब रोड के थ्रू ट्रैवल करने में अलग अलग मोड्स होते हैं, ठीक? अभी मैं समझाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि उसके ऊपर GST लगता होगा या नहीं लगता होगा। सो लेट्स से ये एक एसी बस है, दिस इज एन एसी बस, ये एक एसी बस है और आप ट्रैवल करते हैं इससे विद इन द सिटी, हो सकता है ना विद इन द सिटी, जैसे अगर आप दिल्ली की बातें करें, आपके जिस भी आप शहर में हैं वहाँ पर भी होता होगा। जैसे अगर आप दिल्ली में बातें करें तो DTC बसेस चलती हैं, ग्रीन कलर की होती है और रेड कलर की होती है। ग्रीन कलर होती है विदाउट AC, रेड कलर होती है AC, ठीक है? AC बस होती है रेड कलर की। अब विद इन द सिटी आप ट्रैवल करते हैं AC बस में, ठीक है? सारे शीशे वगैरह बंद हैं, अंदर AC चल रहा है, आप आराम से ट्रैवल करते हैं। तो AC बस हो सकती है जहाँ पर आप विद इन द सिटी ट्रैवल करते हैं, और कुछ बसेस होती हैं जहाँ पर आप आउटसाइड द सिटी भी ट्रैवल करते हैं, आउटसाइड द सिटी, और ये AC बसेस होती हैं, ठीक है? AC बसेस, डिलक्स बसेस, ये AC बसेस होती हैं, ठीक है? लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून, तो अगर आप दिल्ली से देहरादून ट्रैवल करते हैं तो देर आर सम बसेस, AC बस में आप वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ बसेस होती हैं नॉन एसी बसेस, नॉन AC बसेस भी ऐसी होती है ना, आप विद इन द सिटी या फिर आउटसाइड द सिटी भी ट्रैवल करते हैं, ठीक है? विद इन द सिटी मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वसंत विहार टू कनॉट प्लेस दिल्ली, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तो आप वसंत विहार से कनॉट प्लेस ट्रैवल कर रहे हैं विद इन द सिटी। आउटसाइड द सिटी का मतलब है यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, आप दिल्ली से जयपुर ट्रैवल कर रहे हैं, आउटसाइड द सिटी हो गया, और वो नॉन AC बसेस थी। थर्ड मैंने क्या बनाया हुआ है, ऑटो रिक्शा, दिस इज ऑटो रिक्शा, ठीक है? ऑटो रिक्शा तो मेनली क्या होता है, विद इन द सिटी ही आपको ट्रैवल कराता है, ठीक है? विद इन द सिटी ही होता है ये तो मेनली, दूसरी सिटीज में जनरली नहीं जाते ऑटो रिक्शा, विद इन द सिटी है। नेक्स्ट क्या है सर, ये कार है, और मैं आपको बता दूँ ये कार है जिसमें मीटर लगा होता है, मीटर्ड कैब, देखा है ना आपने गाड़ी में मीटर लगा होता है, आप मीटर के थ्रू आप किराया देते हैं, जितना भी मीटर में आपका फेयर आता है आप उतना पैसा पे करते हैं, दिस इज मीटर्ड कैब, और जनरली ये भी विद इन द सिटी चलती हैं जनरली। ये क्या चीज़ है, दिस इज ई रिक्शा, ठीक है? विद इन द सिटी चलता है ई रिक्शा वाला। आप देखो इसमें भी क्या जाते हैं, ट्रांस मेनली किसके लिए बनाया हुआ है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए ई रिक्शा। ये क्या है, ये है जैसे कैलकाटा में चलता है, ठीक है? ये है हैंड रिक्शा, हैंड पुलिंग करके ये चलता है, हैंड रिक्शा। ये लास्ट क्या है, ये कैब है मेनली, ये मीटर्ड कैब नहीं है, इसको आप हायर कर लेते हैं, ठीक है? आप बुलाते हैं, कभी भी ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल आपको एक प्लेस से दूसरी जगह पर जाना है तो आप टैक्सी बुला लेते हैं अपने लिए, दिस इज अ टैक्सी, नॉट अ मीटर्ड कैब, मीटर्ड कैब नहीं है ये, इसको हम रेडियो टैक्सी बोल देते हैं,
या फिर ओला या उबर, ठीक है? और ये एसी और नॉन एसी दोनों हो सकती है। तो आई हैव गिवन यू सम एग्जाम्पल्स कि आप इस तरीके से, और भी हो सकते हैं बट दीज आर ब्रॉड एग्जाम्पल्स कि आप इस तरीके से ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगह पर ट्रैवल करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा और कुछ ऐसा है जिस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका मन क्या कहता है, ठीक है, व्हाट डू यू से कि किसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए। चलो मैं पहले इनकी बातें कर लेता हूँ, हैंड रिक्शा की। मुझे प्लीज़ बताइए, वो जो रिक्शे वाले भैया हैं, ठीक है, आप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेट से आप कोलकाता में हैं, आप कोलकाता में ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम भवानीपुर टू समवेयर एल्स, लेट से, तो आप कोलकाता में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हैंड रिक्शा से ट्रैवल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो भैया आपको खींच के ले जा रहे हैं, तो विल ही चार्ज जीएसटी ऑल्सो फ्रॉम यू? ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं आपसे 40 रुपीज़ चार्ज करूंगा, लेट से एक जगह से दूसरी जगह, मान लीजिए 2-3 किलोमीटर दूर था जहाँ पर आपको जाना था और वो भैया आपको खींच के ले जा रहे हैं, विल ही चार्ज जीएसटी? द आंसर इज नो, यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा, इस केस में नहीं लगेगा, यहाँ पर तो एग्जेम्प्ट है, दिस इज एग्जेम्प्ट। ई रिक्शा बताइए, ई रिक्शा में टैक्सेबल होना चाहिए, एग्जेम्प्ट होना चाहिए, आपको क्या लगता है? जब आप ई रिक्शा से ट्रैवल करते हो तो वो रिक्शे वाला भैया आपसे क्या जीएसटी भी चार्ज करता है? द आंसर इज नो, ये भी एग्जेम्प्ट ही लग रहा है। ठीक है, अभी मैं बुक से पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा। ऑटो रिक्शा के बारे में बताइए। सर ऑटो रिक्शा वाला, आप ऑटो रिक्शा में बैठते हैं, ठीक है, आप बैठते हैं नॉर्मल रेगुलर, कभी ना कभी आप बैठे भी होंगे, रेगुलर बैठते हैं कुछ लोग, तो प्लीज़ बताइए कि ऑटो रिक्शा जीएसटी चार्ज करता है? ऑटो रिक्शा सर नहीं करता, ठीक है, इट इज़ एग्जेम्प्ट। ऑटो रिक्शा भी एग्जेम्प्ट है और ये मीटर्ड कैब भी एग्जेम्प्ट है, मीटर्ड कैब एग्जेम्प्ट है, जिसमें मीटर लगा होता है वो एग्जेम्प्ट है। बट अगर आप इस रेडियो टैक्सी की बातें करेंगे, रेडियो टैक्सी का मतलब है या फिर ओला या उबर का मतलब है, जो आप बुलाते हैं और वो आपकी एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाता है, बट दे डोंट हैव अ मीटर इन इट, उसको हम रेडियो टैक्सी बोलते हैं, या फिर आपने इनको हायर करा विद इन द सिटी जाने के लिए, आउटसाइड द सिटी जाने के लिए भी, चाहे ये एसी हैं, वेदर दे आर एसी और नॉन एसी, ये दोनों ही केसेस में टैक्सेबल रहने वाली है, ये दोनों ही केसेस में टैक्सेबल रहने वाली है, रेडियो टैक्सी या फिर ओला या उबर, ऐसी चीजें। तो इसमें से हमें काफी सारी चीजें समझ में आ गई हैं कि अगर आप ट्रैवल करेंगे ऑटो रिक्शा से, मीटर्ड कैब से, ई रिक्शा से या हैंड रिक्शा से, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, इन केसेस पे कोई जीएसटी नहीं है, बट रेडियो टैक्सी से ट्रैवल करेंगे तो टैक्सेबल है। आप आ जाइए यहाँ पर, बसेस के बारे में बातें कर लूँ। जब बस में ट्रैवल करते हैं, लेट से मैं विद इन द सिटी ले लेता हूँ, आप दिल्ली में हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम सरोजनी नगर टू नेहरू प्लेस, ठीक है, सरोजनी नगर से नेहरू प्लेस, आप दिल्ली में ये कुछ जगह हैं जहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आप विद इन द सिटी ट्रैवल कर रहे हैं नॉन एसी बस में, ठीक है, कुछ किराया होता है वहाँ पे 10 रुपये 15 रुपये, ठीक है, इतना लगभग किराया होता होगा उसका, तो अगर आप वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं विद इन द सिटी, तो आपके ऊपर नो जीएसटी, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप आउटसाइड द सिटी भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो लेट से यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून और वो नॉन एसी बस है, नॉन एसी बस समझ गए, वहाँ पर आप बस में चढ़ते हैं, बस में फिर कंडक्टर से आप टिकट लेते हैं, तो जो टिकट के पैसे चार्ज वो करेगा उसके ऊपर भी देयर इज नो जीएसटी, इसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जो नॉन एसी बसेस होती हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा, उसके ऊपर पक्का जीएसटी नहीं होगा नॉन एसी बसेस के ऊपर। इसके बारे में मुझे कुछ और भी बताना है, बट उससे पहले मैं एसी बस के बारे में बता दूं, एसी बस में जनरली कौन ट्रैवल करेगा, इसका किराया भी ज़्यादा होता है, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप एसी बस में ट्रैवल करना चाहते हैं तो इट्स इज अ काइंड ऑफ लग्जरी, क्योंकि जब नॉन एसी भी अवेलेबल था बट यू हैव चूजन एसी बस, तो इट्स अ काइंड ऑफ लग्जरी, आपसे हम जीएसटी भी लेंगे पक्का। तो चाहे आप विद इन द सिटी ट्रैवल करें, तो अगर फॉर एग्जाम्पल जो रेड वाली बसेज हैं, जो डेली में चलती है एसी वाली बसेज हैं, अगर आप जब उसका फेयर पे करते हैं तो यू हैव टू पे जीएसटी ऑल्सो, तो जो टोटल आपसे किराया चार्ज किया जाता है उसमें जीएसटी का अमाउंट भी आपसे चार्ज किया जाएगा,
आउटसाइड द सिटी भी ट्रैवल करेंगे तो भी टैक्सेबल होगा. एसी बसेस ऑलवेज टैक्सेबल, ये तो टैक्सेबल होने वाली है. ये समझ में आ गया? अब मैं कुछ और बातें कर लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, आपके घर में कोई फंक्शन है और आप ऑफ साइट पर जाकर कोई पार्टी कर रहे हैं, ठीक है. लेट से फॉर एग्जाम्पल घर में शादी है और बारात लेकर जाना है कहीं पर, तो आप कौन सी बस लेके जाएंगे? सर एसी बस लेके जाएंगे. पर फॉर एग्जाम्पल ये दिसंबर का मंथ था, ये जनवरी का मंथ था, कौन सी बस लेके जाएंगे? नॉन एसी. आप चाहे एसी बस तो देखिए हमेशा टैक्सेबल होगी, अगर आप नॉन एसी बस को हायर कर रहे हैं, पूरा का पूरा बस को हायर कर रहे हैं, जिसको हम चार्टर भी बोलते हैं, उस केस में जीएसटी आएगा, टैक्सेबल है उस केस में. मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इजी बातें हैं बट आप समझ लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप नॉन एसी बस में ट्रैवल करते हैं विद इन द सिटी या आउटसाइड द सिटी, जहां पर आप इंडिविजुअल ट्रैवल करते हैं, अपना टिकट लेते हैं आप, या अपना या अपने दोस्त का या अपने फैमिली मेंबर्स का, और बाकी लोग भी हैं यहां पर, जहां पर बहुत भीड़ होती है बस में, आपसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा. बट अगर आप पूरा का पूरी बस को हायर कर लें, पूरी की पूरी बस को हायर कर लें, आप दो दिन के लिए लेकर जा रहे हैं बस को, चार्टर कर लें, उस केस में ये टैक्सेबल हो जाता है, उस केस में टैक्सेबल हो जाता है. एसी बस तो हमेशा टैक्सेबल होगी. आप अपना खुद का इंडिविजुअली टिकट लें या फिर पूरी बस को हायर करें, दिस इज ऑलवेज टैक्सेबल. एसी बस तो ये हमेशा टैक्सेबल होगी. नॉन एसी बस को अगर विद इन द सिटी आउटसाइड द सिटी अपना किराया आप पे करते हैं तो जीएसटी नहीं आएगा, बट अगर पूरा का पूरा हायर करते हैं तो जीएसटी आएगा, ठीक है. अच्छा मैं एक और वर्ड बता दूं आपको, ये जो विद इन द सिटी होता है ना, विद इन द सिटी क्या होता है, जब बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलती है और बीच बीच में रुक रुक के अपनी जर्नी पूरी करती है. जैसे फिर मैं दिल्ली का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक बस का नंबर है, वहाँ पे बसेस के नंबर होते हैं, तो एक बस का नंबर है 623. ये बस कौन सी है? ये बस चलती है शादरा से लेकर वसंत विहार तक. ये बस शादरा से लेकर वसंत विहार तक कोई जगह है, ये वहां तक चलती है. शादरा इज इन ईस्ट दिल्ली, वसंत विहार इज इन साउथ दिल्ली. अब क्या आता है बीच में, शादरा के बाद ये बस आगे चलती है करकरडूमा, फिर लक्ष्मी नगर, फिर आईटीओ, फिर इस तरीके से करते करते ये वसंत विहार पहुंचती है. तो कुछ लोग क्या होते हैं, बीच बीच में से चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं. तो इसके स्टॉप होते हैं कि एक स्टॉप से शादरा से चली, अगले स्टॉप पे रुकेगी, कुछ लोग उतरेंगे, कुछ लोग चढ़ेंगे, ऐसे ही होता रहता है. और ये लास्ट इसका वसंत विहार तक जाएगी, फिर वापस आ जाएगी. ये बस अपनी जर्नी फ्रॉम शादरा टू वसंत विहार स्टेजेस में पूरा कर रही है. ऐसी बस को कहते हैं स्टेज कैरेज. I'm रिपीटिंग, ऐसी बस को बोलते हैं स्टेज कैरेज, जो अपनी जर्नी स्टेजेस में पूरा करती है. विद इन द सिटी होती है, इसको भी हम स्टेज कैरेज बोल सकते हैं. तो अगर क्वेश्चन आए कि क्या स्टेज कैरेज एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, तो आप बोल दीजिएगा सर अगर वो स्टेज कैरेज नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट है, इन केस वो स्टेज कैरेज एसी बस है तो टैक्सेबल है पक्का. तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप लक्ष्मी नगर से आपने एम्बार्क किया, लक्ष्मी नगर से आप चढ़े और आप फॉर एग्जांपल तिलक ब्रिज उतरेंगे जाकर, मतलब ये पॉइंट्स हैं कुछ उस वाली बसेस के, तो उस केस में अगर वो एसी बस है तो आपसे जो किराया चार्ज किया जाएगा, जो फेयर आपसे चार्ज किया जाएगा, इट विल इंक्लूड जीएसटी ऑल्सो, ठीक है. तो स्टेज कैरेज नॉन एसी एग्जेम्प्ट है और एसी वाली बस टैक्सेबल हो जाएगी. बट ये स्टेज कैरेज अगर पूरा का पूरा आप चार्टर करा लें, आप पूरी बस ही लेके जा रहे हैं, मतलब आप और आपके फ्रेंड्स या आपके रिश्तेदार, तो उस केस में तो टैक्सेबल हो जाएगा. दूसरा केस, एक और वर्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज. कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होता है जो अपनी जर्नी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कवर करती है, बट उसका बीच में कोई स्टॉप्स नहीं होते. बीच में रुक जाते वो अलग बात है, बट जनरली उसके स्टॉप्स नहीं होते. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से देहरादून ट्रैवल करें, तो मेनली ये जो बस बनी है वो दिल्ली से देहरादून जाने के लिए बनी है, बीच में इसके स्टॉप्स नहीं होते मेनली. इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज. तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज भी क्या टैक्सेबल है? अगर वो नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट है, एसी है तो टैक्सेबल है. आउटसाइड द सिटी जनरली जाती हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बोलते हैं. तो मेनली ये थोड़े से ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड टर्म्स हैं, स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस. सब लोग समझ गए? दोबारा से रिपीट करो, एसी बस के बारे में समझ गए, हमेशा टैक्सेबल होगी,
चाहे आप उसको स्टेज कैरेज हो टैक्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो टैक्सेबल, आप हायर या चार्टर कराएं तो भी टैक्सेबल। नॉन एसी बस एग्जेम्प्ट होगी, बट सिर्फ अगर आप पूरा का पूरा हायर या चार्टर कराएं तो टैक्सेबल होगा। ऑटो रिक्शा एग्जेम्प्ट, मीटर्ड कैब एग्जेम्प्ट, ई रिक्शा एग्जेम्प्ट, हैंड रिक्शा या कोई भी रिक्शा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रेडियो टैक्सी या ओला या उबर टैक्सेबल हो जाएगी, वो सब टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? दिस इज ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, ये ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड था। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल्स। ट्रेन्स दिख रही है ना आपको, ये हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल्स। अगर आप रेल्स के थ्रू ट्रैवल करते हो, ये है ट्रेन, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, नॉर्मल ट्रेन से ट्रैवल करते हो, ठीक है, इंडियन रेलवे से। अब यहाँ पर अलग अलग क्लासेस होती हैं, एक होती है जनरल क्लास। जनरल क्लास समझ में आता है, काफ़ी भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। दूसरी होती है स्लीपर क्लास। स्लीपर क्लास में थोड़ी भीड़ कम है बट गर्मी है, यहाँ पर भी आपको नेचुरल हवा आती है, एसी नहीं होता, दिस इज स्लीपर क्लास। और कौन सी होती है? और होती है फर्स्ट क्लास या कोई भी एसी क्लास, कोई भी एसी, टू टायर, थ्री टायर, कुछ भी हो सकता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेन का टिकट खरीदते हो जनरल क्लास का, अब देखो मोटिव देखिए, मोटिव ये है कि जो लोग ज़्यादा अमीर नहीं हैं हम उसके उनके ऊपर जीएसटी चार्ज करना नहीं चाहेंगे, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे हम जीएसटी चार्ज भी करेंगे। अब प्लीज़ बताइए, आप मुझे से बताइए, ट्रेन में मैं अगर आपसे बोलूँ कि कुछ एग्जेम्प्ट हैं और कुछ टैक्सेबल हैं, आप प्लीज़ बताइए किसके ऊपर। अब ये मैंने दो पॉइंट्स बना दिए यहाँ पर, आप किसको एग्जेम्प्ट देना चाहेंगे, किसको टैक्सेबल देना चाहेंगे? आप बोलेंगे सर यहाँ पर फर्स्ट क्लास और एसी क्लास वाले तो अच्छे खासे पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, इनके लिए कर दीजिए टैक्सेबल, और जनरल क्लास या स्लीपर क्लास के लिए कर दीजिए एग्जेम्प्ट। ठीक है, और यही लॉ ने किया हुआ है। सब लोग समझ में आता है? तो जनरल क्लास या स्लीपर क्लास के लिए मतलब विदाउट एसी एक तरीके से एग्जेम्प्ट है, और टैक्सेबल हो जाएगा फर्स्ट क्लास या एसी क्लास, फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर, थर्ड टायर, वो सब टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से बेंगलोर ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आप स्लीपर क्लास में कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपके जो फेयर में जीएसटी चार्ज नहीं होगा। बट अगर आप एसी क्लास से ट्रैवल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल शताब्दी से या राजधानी वगैरह से, शताब्दी तो नहीं, राजधानी चलती है, तो अगर आप राजधानी वगैरह से ट्रैवल कर रहे हो तो उस केस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, शताब्दी भी अगेन एसी ट्रेन है, टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये क्या है? ये कुछ ऐसी ट्रेन्स हैं जो आप विद इन द सिटी ट्रैवल करते हो, विद इन द सिटी। ये है मेट्रो, ये है मोनो रेल। मोनो रेल, मोनो रेल का मोनो का मतलब समझते हो, इट्स वन। ये मुंबई में चलती है मेनली मोनो रेल, मेट्रो इज इन मोस्टली इन दिल्ली, के अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में भी अब तो, बट मोस्टली इन दिल्ली मोनो रेल इज इन मुंबई, सिंगल पटरी की गाड़ी। दिस इज ट्रामवे, ट्रामवे मेनली कोलकाता में, मतलब सड़क के ऊपर रेल्स बिछी होती हैं, सड़क के ऊपर चलती है। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं? मेट्रो, मोनोरेल और ट्रामवे, दीज आर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेनली विद इन द सिटी चलते हैं ये, और दीज आर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। अब देखो मेट्रो में तो एसी भी होता है, अब क्या जीएसटी लगेगा? द आंसर इज नो। ये तीनों ही एग्जेम्प्ट हैं, ये तीनों ही एग्जेम्प्ट हैं। रीजन बीइंग ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आम जनता भी यहाँ पर ट्रैवल करती है, तो दीज आर एग्जेम्प्ट। मेट्रो, मोनोरेल और ट्रामवे एग्जेम्प्ट है। मेट्रो आई बिलीव, आई एम एग्रीइंग विद यू, इट्स एन एसी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं कि लोग अमीर लोग ही ट्रैवल करते हैं, यहाँ पर हर तरह के लोग ट्रैवल करते हैं। तो मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे, ऑल थ्री आर एग्जेम्प्ट। क्लियर है? सब लोग समझ गए? प्लीज जल्दी से बताइए, वी आर डूइंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, हम पैसेंजर्स के बारे में बातें कर रहे हैं। ट्रेन से ट्रैवल करना क्या एग्जेम्प्ट होता है? अगर वो फर्स्ट क्लास या एसी ट्रैवल है तो ट्रेन टैक्सेबल हो जाएगी, दिस इज इंडियन रेलवेज। बट मोनोरेल, मेट्रो और ट्रामवे ये सब एग्जेम्प्ट हो जाएंगे।
हाँ अगर ये ट्रेन जनरल क्लास है या स्लीपर क्लास है तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब लास्ट हमने बातें की थी ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, नेक्स्ट हमने बातें करी ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवेज। अब और क्या बचा है? अब और बचा है वाटर और एयर। चलिए पहले वाटर की बातें कर लेते हैं। दिस इज वाटरवेज।